गुड इवनिंग सर। हेलो अपूर्वा, गुड इवनिंग बेटा। हे धर्मेंद्र, हाउ गुड आफ्टरनून इज इट गोइंग? प्रैक्टिस करी? डिड यू प्रैक्टिस? ओके, अभी ये प्रैक्टिस का दौर लगातार चलेगा एंड एवरी डे देर विल बी 100 रुपीज फाइन फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग। ओके, फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। सर। गुड हे निखत, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। Hey Anshu, good evening. This practice should continue for next 15 days, and anybody who is not practicing will pay a fine of 100 rupees for every day. Remember that, okay? You have to गुड practice, आफ्टरनून सर। everybody. Good afternoon, Anish. And is it Anish? Noor? Let's go to the group. Mehfooz, tell me the reason. Mehfooz. जी सर, 5 मिनट्स। Okay. Sulekha, your यस सर। sentences. What does she do? Where does she live now? Does she speak French? Subject. Sulekha, does she speak French or does he or she speak French? Sulekha, do you see any mistakes with sentence number 3? गुड इवनिंग सर। Good evening, Imtiaz. Sulekha, do you see a mistake in sentence number 3? आपको एक गलती दिखी इसमें? Does he speak French? सर नहीं, ये does और do की बात नहीं हो रही है। आप गौर से देखो। सब्जेक्ट Does she speak French? Does he speak French? छूट थोड़ा गया। थोड़ा रिलैक्स होके करना, ओके? Okay? बातें करनी है, सीखना है, तीन है। ऑलराइट? तीन यस नेक्स्ट, व्हाट इज हर और हिज चिल्ड्रंस नेम? व्हाट आर? अच्छा सुनो लेखा, आप कहते हो इज व्हेन यू टॉक अबाउट वन थिंग, ओके? बट यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस नेम्स। इससे चिल्ड्रंस होगा, निकालिए क्या लिखा आपने? चांस ना। मतलब क्या हुआ? उसके उसके कितने बच्चे? ऐसे तो नहीं लिखा था, वो तो यहाँ है। बच्चे के क्या नाम। उसके बच्चे का नाम क्या है? तो एक बात बताओ, एक बच्चे का एक नाम, दो बच्चे का दो नाम, तीन बच्चे का तीन नाम, तो नाम तो प्लूरल हो जाएगा ना? यस सर। तो प्लूरल होगा तो वर्ब इज होगा या आर? और व्हाट हाँ आर, व्हाट आर हर चिल्ड्रंस नेम्स? व्हाट आर हर चिल्ड्रंस नेम्स? व्हाट आर हिज चिल्ड्रंस नेम्स? ओके, अगर आपके दो बच्चे, सुलेखा यू हैव टू चिल्ड्रन, अगर सर। कोई आपसे पूछे कि आपके दोनों बच्चों के नाम क्या है, कैसे पूछेगा? किंडरगार्टन। क्या पूछेगा? व्हाट आर योर चिल्ड्रंस नेम। व्हाट आर योर चिल्ड्रंस नेम्स? रिपीट यस सर। करिए, रिपीट करिए सुलेखा। व्हाट व्हाट आर योर आर चिल्ड्रंस, योर चिल्ड्रंस नेम। चिल्ड्रंस नेम्स? नेम नहीं, नेम तो सिंगुलर है, नेम्स प्लूरल, प्लूरल नेम्स सर। एस लगेगा के लिए। ओके, व्हाट सर। यस सर। आर हर चिल्ड्रंस नेम्स? वेयर डज शी कम फ्रॉम? वेयर डज शी वर्क? हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज? इसमें ये डज वाला रूल क्यों तोड़ा आपने?
ही भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, तो फिर डज क्यों मिसिंग है इसमें से? सुलेखा क्या होना चाहिए दोस्तों? हाउ मेनी चिल्ड्रन? हाउ मेनी चिल्ड्रन ही डज? हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव? डज ही हैव और डज शी हैव, जैसे बाकी में किए वैसे ही तिकड़ी चल रही है ना, तीन वर्ड्स की तिकड़ी है, राइट? तिकड़ी याद रखोगे? तिकड़ी, तिकड़ी में कौन कौन है? डज शी हैव? यस, ही है डज शी हैव, डज शी गो, तिकड़ी है, एक भी मिसिंग नहीं होने चाहिए. डज, सब्जेक्ट ही शी इट, एंड वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. डज शी गो, डज शी ईट. अगर ये ईट के जगह टॉल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, बिकॉज टॉल इज एन एडजेक्टिव. डज शी टॉल नहीं हो सकता, डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज टॉल इज एन एडजेक्टिव. डज शी टॉल नहीं हो सकता. ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज ही हैव? ये भी गलत नहीं. व्हाट डज ही डू इन हर फ्री टाइम? वेरी गुड. व्हाट डज ही डू इन हर फ्री टाइम? वेल डन. सुलेखा बहुत अच्छी कोशिश, कीप प्रैक्टिसिंग. काशिफ राइट्स नाउ. आतिफ, टाइम नहीं मिलता हु इज रिटन? सर. आतिफ हैज रिटन हियर. या आतिफ, व्हाट डज शी डू? वेयर डज शी लिव नाउ? डज शी स्पीक फ्रेंच? व्हाट आर हर चिल्ड्रंस नेम? नेम और नेम्स? आतिफ, नेम्स नेम्स. नेम्स सर. What are her children's names? Where does she come from? Where does she work? How many children does she have? What does she do in her free time? Very well. David Guetta, what does he do? Where does he live now? Does he speak French? What are his children's names? Where does he come from? Where does he work? How many children does he have? What does he do in his free time? Superb. Sanyogita ma'am. Sneha Bharadwaj. That's her daughter's name. Arey yaar, ye kya ho raha hai? I'm trying to. Yeah, this is better. Okay. What does she do? Where does she live now? Does she speak French? What does Sanyogita ma'am? Yes, sir. Do you see a problem in sentence number four? Yeah. What are her children's name? ये does कब आता है? तिकड़ी में. does तिकड़ी में use होता है. तिकड़ी, trio, trio. does किसके साथ use होता है बेटा? तीन के साथ. वो trio कौन कौन होगा? does, subject, v1. does, subject, v1. ये दोनों दोस्त नहीं तो वो भी नहीं, does भी नहीं. यहाँ आपको दोस्त दिखते हैं? Can you see the friends? यहाँ वर्ब दिखा आपको? इवन दिखा? नहीं, तो डज भी नहीं आएगा. डज भी नहीं आएगा. डज अपने दोस्तों के साथ आता है. उसके दोस्त कौन कौन है? गुड इवनिंग सर. हेलो आरती. कौन कौन है उसके दोस्त? वर्ब है. डज सब्जेक्ट वन. वर्ब वन. वर्ब वन है ना? वी वन. ओके, वी वन. वेयर डज शी कम फ्रॉम? इसमें तिकड़ी दिख रही है नंबर फाइव में? देखो, व्हाट, वेयर डज शी कम फ्रॉम? तिकड़ी दिख रही दोस्तों? Yes, does come from. Does she? गलत वर्ड जोड़ दिया आपने. Yes, does she come? Next, number six. Where does she work? Can you see the trick? तिकड़ी? Yes, sir. कहाँ है तिकड़ी? Does she work? सुलेखा, गौर कर रहे हो आप? तिकड़ी पर ध्यान दे रहे हो सब लोग? Yes, sir. तिकड़ी, तिकड़ी, तिकड़ी मतलब तीन का जमात, तीन का ग्रुप. तिकड़ी कौन है वो तीनों? Does, subject, v1. अगर ये तीनों में से एक भी मिसिंग तो सब खत्म, सब गायब. नेक्स्ट, व्हाट डू संयुक्ता मैम, लास्ट क्वेश्चन. दिस इज रॉन्ग सर. आप बता दो सही क्या है संयुक्ता मैम. व्हाट डज ही डू इन हर फ्री टाइम? इसमें तिकड़ी बताइएगी, तिकड़ी बताइए. Does he or do? Very good. Do be one है ना? Yes, sir. Good job. अच्छा, ये डांस क्यों लिखा सुलेखा आपने? क्या
ये डांस क्यों लिखा आपने? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग काशिफ. उसे लिखा आप अपने बचपन की पढ़ाई को मत यूज करना. ओके सुलेखा, जो मैं बताऊं उस पर ध्यान देना. ओके सबको ये सलाह है मेरी, अपने बचपन की पढ़ाई को मत आगे आने देना. ओके वो तुम्हें फंसा देगी, बचपन की पढ़ाई फंसा देगी. ओके व्हाट आई एम सेइंग रिमेंबर, ट्रायो रिमेंबर, विल यू रिमेंबर ट्रायो द ट्रिकरी डज सब्जेक्ट वी वन. ये तिकड़ी है, अगर इसमें से डज हटा तो वी वन हटा, वी वन हटा तो डज हटा. ओके यस निखत इट्स नॉइजी. काशिफ व्हाई आर यू नॉट ऑन कैमरा अगेन? नौशीन यू आर नॉट ऑन कैमरा. शाजिया यू आर नॉट ऑन कैमरा. प्लीज महफूज योर 5 मिनट्स आर ओवर. Now, some practice. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Narendra Modi is not the President of India. Is he the Prime Minister of India? Yes, he is. Is he the President of India? No, he isn't. He is the Prime Minister of India. Super. Very good practice, Apurva. He comes from Gujarat. He doesn't come from Gujarat. Does he come from Gujarat? Yes, he does. Does he come from Bihar? No, he doesn't. He comes from Gujarat. Super. Very good practice. He belongs to the BJP. He doesn't belong to the Congress party. Does he belong to the BJP? Yes, he does. Which party does he belong to? He belongs to the BJP. Very good. He's married to Yashoda Ben. His wife belongs to Gujarat. He isn't married to Gayatri. How many children does he have? He doesn't have any children. He's divorced. He mainly works for the development of India. He doesn't work for development of Pakistan. Does he work for the development of India? Yes, he does. He likes to do gardening in his free time. He doesn't do boxing in his free time. What does he like to do in his free time? Super. Very good practice, Apurva. All fantastic. Okay. Just remember the development of Pakistan. Okay. The development. All right. Next. Okay. Aarti writes, Charles Babbage is the father of computer. He isn't the father of radio. Where was he from? He wasn't from Sikkim. He was from London. Is Charles Babbage still alive? No, he isn't. He died on the 18th of October, 1871. He was married. Aarti, he's married or he was married? You know, he's not alive, right? He was married. He was married. He is married. He was married. Yes, he was sir. Married. He was married to Georgina against his father's wishes. She worked at philosophy. I don't know what you mean. She was a philosopher. She was a philosopher. I don't know. Georgia. Yes, sir. She was a philosopher. Okay. Good practice, Aarti. Very good practice. Anushka isn't a Pakistani actress. She's an Indian actress. Does she work in English films? Films. Does she work in English films? Film or films mein kya fark hai dosto? What's the difference between film and films? Sir, film hua singular. तो हम सिंगुलर की तब यूज करेंगे जब हमें सिंगुलर की जरूरत होगी. हम सिंगुलर तब यूज करेंगे जब हमें सिंगुलर की जरूरत होगी, नहीं तो हम प्लूरल बोलेंगे नॉर्मली. नॉर्मली क्या बोलेंगे? जब सिंगुलर की जरूरत होगी तो सिंगुलर बोलेंगे. तो हम कह रहे हैं डज शी वर्क इन इंग्लिश फिल्म्स? क्या वो इंग्लिश फिल्मों में काम करती है? नो शी डजंट. शी इजंट कैसे Aarti? सॉरी सर. एवरीबॉडी इजंट. Isn't or doesn't? Which is correct here? Doesn't, sir. Doesn't. Doesn't. Because does. Yep. She works in Hindi films. She works in Hindi film or Hindi films? Hindi films. दो दिन पहले I was in Gaya. मैं वहाँ कुछ teachers से मिला. I met some teachers there. उनमें से कई लोग ये गलतियाँ कर रहे थे. वो सिंगुलर बोल देते जहां प्लूरल बोलने की जरूरत पड़ती है. She is married to Virat Kohli, an Indian cricketer. He works all over the world, Africa, Pakistan. He plays everywhere, right? ये ETC ये डॉटर वामिका सेंटेंस नहीं लिखा.
They have a daughter. And she writes, Smriti Irani is a cabinet minister. She isn't a chief minister. Is she married? Yes, she is. Does she work on television? Yes, she does. She comes from Delhi. She doesn't come from Nepal. Does she win an award? Achha, iska kya matlab nikalu? Hindi. वो अवार्ड भी जीती थी तो जीती थी हम लोग एक सेकंड होल्ड ऑन मी एंड अंशु फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क यू फॉर योर ओपिनियन एवरीबॉडी ओके तो अंशु बेटा जो हम लोग करते हैं डज शी वर्क ऑन टेलीविजन का हिंदी करें क्या वो काम की थी कि क्या वो काम करती है करती है इम्तियाज 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 प्लीज 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 सॉरी सर सॉरी सर आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड बट प्लीज कंट्रोल ओके तो बताओ हिंदी क्या होगी अंशु डज शी वर्क की हिंदी क्या होगी वो काम करती है कि करती थी करती थी डज शी वर्क मतलब करती थी अच्छा अच्छा एक सेकंड अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये बताओ मुझे कि हम लोगों ने ये सेंटेंसेस पढ़े थे इतने सारे दैट यू नो शी लिव्स इन बंगाल शी लिव्स इन ही लिव्स इन फ्रांस तो इसका हिंदी होता है वो फ्रांस में रहता था कि रहता है ही लिव्स इन फ्रांस में रहता है तो फिर इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए दोस्त टेलीविजन में काम किया ओह शी वर्क्स ऑन टेलीविजन की हिंदी करो शी वर्क्स ऑन टेलीविजन वो टेलीविजन में काम करती है नो नो संयोगिता मैम नॉट यू इट्स ओनली मी एंड अंशु फॉर अ मिनट अंशु शी वर्क्स ऑन टेलीविजन की हिंदी करो बाकी सब लोग सुनिए और सोचिए दिमाग में ओके काम करती है वो टीवी पे काम करती है शी वर्क्स ऑन टेलीविजन और डज शी वर्क ऑन टेलीविजन की हिंदी क्या होगी वो टीवी पे काम करती है पूछ रहे हैं वो टीवी पे काम करती है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए क्या वो काम करती है टीवी पे तो यस सी डज हो गई ना आप मुझे बताएं काम करती है यस सी डज मुझे तो नहीं लगता करती है खैर कोई बात नहीं वहां तक चलेगा कोई बात नहीं ठीक है अब मुझे ये बताएं डज शी विन की हिंदी क्या होगी डज शी विन की हिंदी क्या होनी चाहिए वो अवार्ड जीती है क्या एक्सक्यूज मी अब मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा कहीं और वेट फॉर अ सेकंड गाइस आप बहुत गलत कर रही हैं अंशु बहुत थोड़ा बहुत सही पता है क्या गलत कर रही हैं आप अपना दिमाग नहीं लगा रही हैं ये गलती कर रही हैं क्या कर रही हैं गलती आप अपना दिमाग नहीं लगा रही आपके पास दिमाग है लेकिन आप लगा नहीं रही हैं चलो दोस्तों देखते हैं चलो आपके सामने है अंशु अंशु डिस्ट्रैक्टेड मत होना बेटा डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीबॉडी अराउंड यू ओके फुल फोकस हियर पढ़ो इसको शी टीचेस एट यूनिवर्सिटी हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी पढ़ाती है शी टीच एट यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है शी लिव्स कैलिफोर्निया wait, 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 wait. She studies. वह पढ़ाई करती है. She likes. वह डजेंट में काम करना पसंद करती है. She writes. वो सॉन्ग लिखती है. तो लिखती है से क्या पता चलता है एक बार की बार 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 अच्छा चलो she earns. है. कौन है अंशु कौन है ये कौन है विशाल है यस सर दिखाओ दिखाओ कैमरे पे लाओ उसको कैमरे पे लाओ उसको चला गया ओके शी अर्न्स वो कमाती है बार बार के एक बार 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 ये सारे सेंटेंसेस जो हम लोगों ने लिखे हैं करती है वाले सेंटेंस हैं राइट दोस्तों यस अब बताओ इसका हिंदी क्या है प्ले स्नूकर अंशु यस सर कम अगेन ही प्ले स्नूकर ही प्ले स्नूकर सर वेरी नॉइजी साउंड हु वाज दैट आई डोंट नो हु वाज दैट ओके चलो फोकस ही प्लेज स्नूकर अंशु बेटा स्नूकर खेलता है से क्या पता चला खेला है खेला था ऐसा पता चलता है खेलता है ना खेलता है बार बार की बात होती है ना
तो ध्यान रखना कि कैसे सेंटेंसेस को इससे इंग्लिश कर रहे हैं. अब वापस आओ, तुमने लिखा डज शी विन, डज शी, डज ही प्ले की हिंदी क्या होती है, डज ही प्ले, खेलता है, पूछ रहे हो है ना, खेलता है राइट, डज ही प्ले. तो डज शी विन की हिंदी क्या होनी चाहिए, क्या जीती है, जीतती है, जीतती है, हारती है, जीतती है, आई बात समझ में. यस सर. तुम ये बोलना भी नहीं चाहती हो, तुम तो बोलना चाहती हो क्या वो जीती है, जीतती है और जीती है दोनों एक है कि अलग है, अलग है. हाँ तो तुम्हें बोलना था कुछ और, तुमने कुछ और लिख दिया यहाँ पे. अभी हम लोग ये वाला देखो, ताला कोई और, चाबी कोई और, मैथ मिसमैच कर रहे हो तुम. ये जो चाबी है ना डस शी विन, ये कौन से ताले की चाबी है, जीतती है. अगर मैं कहूं डस शी लूज मतलब हारती है. हाँ क्या वो हारती है, डस शी लूज, अरे कहाँ हो गई सर, अरे दीपिका कहाँ हो, वेर आर यू नाउ, यू आर ऑन द रूफ और वेर, आई कांट हियर यू दीपिका, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. सर छत पे हैं. यू आर ऑन द रूफ, बोलो बेटा आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ. Bita, it is very risky. You are on the roof and you are standing the online class and there are children playing around you. Does the roof have a boundary? Boundary wall? Yes, okay, sir. Okay, then it's fine. That is fine. Sit down on the floor, sweetie. Sit down on the floor, okay? My friends are making noise. No problem. Sit down on the floor of the roof. Sit down on the surface of the roof, sweetie. It's all right. Yeah, good. My friends making noise. Who is making a noise? It's three children. There are not three children. Two children and one elder brother. Okay, Deepika's elder brother is there. Okay, Deepika, introduce your elder brother to us. Le baat kar. Bhagya sir Sharma ke. Le baat kar Bhagya Sharma ke. Who is your elder brother? Hello, elder brother. Wait. Turn this. Hello, elder brother. Where are you? Sir, mila bachcha. Okay. Let's focus on does she win? Does she win an award? Kya wo award jeetti hai? ये तो बोलना भी नहीं चाहती थी अंशु, अंशु तो बोलना चाहती थी उसने अवार्ड जीता है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से बोला जाएगा वो सेंटेंस, ओके, वो ऐसे नहीं बोला जा सकता ये सेंटेंसेस. अच्छा दोस्तों, थोड़ा ऑनलाइन क्लास का कल्चर महफूज, आप हमेशा फिजिकल क्लास की है तो कीप योर कैमरा ऑन एंड माइक म्यूटेड, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, ओके महफूज, रिमेंबर दैट, camera on, mic muted. Mehfooz. Camera on, Mehfooz. Yeah, better. And keep it this way. Don't play with the, you know, camera button. Okay, guys. Ye sentence invalid hai. Kyunki wo bolna nahi chahti ki wo award jeetti hai ki nahi. How many children does she have? Maaz beta, keep yourself muted, camera on, mic muted. Suleika, you too. Jab bolne ki baari hogi, you can unmute yourself, guys. How many children does she have? She has two children. Which party does she belong to? She belongs to the BJP. She doesn't belong to the Congress. How old is she? She's 48 years old. She isn't 20 years old. Smriti Irani works in politics. She doesn't work in the factory. Is she a young woman? Yes, she is. Very good practice, Anshu. Kal ki galtiyan sari cover kar li tumne. Except number 6. Sir. Yes. Yes, Deepika. I don't know. Yeah, toh elder bhaiya the na. Wo na sir. Bol rahe na ki sir humko bhi class join karna hai, humko bhi sir. Really? Ask him to text me on WhatsApp. Ask him to text me on WhatsApp. Okay, people, let's move on to Zara's sentences. Oh, Ambani is very rich. Ambani is very rich. He doesn't poor. Zara, beta, Afreen, ye kya kar diya? Ye kya hui? Ye kya hui? Dosto, ye kya hui? Beaver wale sentence mein doesn't kaise aa gayi? Beta, beaver,
अंबानी इज वेरी रिच, क्या बोलना चाहिए? ही डजंट पुअर या ही इजंट पुअर? अफरीन, ही इजंट पुअर. आलिया भट्ट मैरिड या आलिया भट्ट इज मैरिड? क्या पढ़े कल हम लोग? आलिया भट्ट इज मैरिड, आलिया भट्ट मैरिड, आलिया भट्ट इज मैरिड, आलिया भट्ट इज मैरिड टू रणबीर कपूर. शी डजंट फेमस एक्ट्रेस, ये क्या हुई बेटा? बी वर्ब समझ रहे हो? अफरीन कहाँ हो? वेयर आर यू अफरीन? आई डोंट नो वेयर शी इज. वेयर इज अफरीन? अफरीन इज नॉट हियर. अफरीन इज हियर सर. यू आर हियर? यस सर. अफरीन मुझे बताओ कि मैं फेमस हूँ कैसे बोलोगे? मैं फेमस हूँ. आई एम फेमस. कौन सा वर्ब यूज किया आपने? बी वर्ब. महफूज क्या कर रहे हो? बदमाशी? महफूज? नो सर, क्लियरली बदमाशी चल रही भाई. नहीं सर, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है? नहीं, वो सर थोड़ा रूम पे काम हो रहा है सर, इसमें थोड़ा बिजी है. रूम एक्सचेंज हो रहा है सर. तुमने कैमरा क्यों फ्रंट और बैक स्विच किया? व्हाई डिड यू स्विच द कैमरा? फिर गलती से हो गया सर. गलती से मतलब कैमरे ने कहा भाई मेरा मन कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं सर. तो महफूज कोई क्लास बहाना नहीं में. चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा. बी 100% सिंसियर. सॉरी सर. एन ऑनलाइन सॉरी क्लास डजंट मीन लिबर्टी. ओके, यहाँ ज्यादा जी सर. सिंसियरिटी है. तुम्हें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस के चार्जेस ज्यादा हैं? फिजिकल क्लास के चार्जेस 5,000 है, ऑनलाइन के 7,000 है. क्यों क्यों ज्यादा चार्ज रखा है मैंने ऑनलाइन क्लासेस के, बताओ? बिकॉज स्टूडेंट्स एंड आई बोथ नीड टू वर्क हार्डर, पर्टिकुलरली आई. बट आई मस्ट टेल यू महफूज, इफ यू डू नॉट बिहेव वेल, ओके, बिहेव योर सेल्फ, देन आई एम गोना पुट यू आउट ऑफ द क्लास. रिमेंबर महफूज, कोई ऐसी गलती नहीं होती जो तुमने बताई. यू आर प्लेइंग विद द कैमरा. I told you, keep yourself muted and focus on what I'm saying. अगर मेरी बात समझ नहीं आती तो पूछो दोबारा, लेकिन अपने आप को वैल्यू करो महफूज. एक प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की ना, वो अपने आप को ना इतना कमतर मानते हैं, उनको यकीन नहीं कि वो पूछ के भी सीख सकते हैं. वो पूछेंगे क्यों? Why will they ask? नहीं, पहले बात कर ले बगल वाले से, बात कर ले भाई. नहीं सर, किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे, उनको बताया कि डिस्टर्ब नहीं जैसे करने कि मैंने के बताया लिए. आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि वो अपने टीचर से सवाल करें, उनको यकीन नहीं है कि वो सवाल करके सीख सकते हैं. दे डोंट हैव दिस कॉन्फिडेंस. तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाइए. You can talk to me and find answers to your confusions. Okay, let's continue. Okay, sorry, I was in the group actually. So she isn't a famous actress. Vanessa is 45 years old. Beta, B verb hai, B verb. तो बी वर्ब में डजंट लगा के नेगेटिव नहीं किया जाता. जब वर्ब कोई और हो उसको नेगेटिव करने के लिए डजंट या डोंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, बी वर्ब अपने आप के बाद नॉट ले लेते हैं. आपने पढ़ा होगा ना, आई एम नॉट, ही इज नॉट, दे आर नॉट. तो जब बी वर्ब वाले सेंटेंसेस हो आप उसमें नॉट लगा दो और नेगेटिव कर लो. ही इज नॉट 39 ईयर्स ओल्ड. तो आपको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है. अब देखो यहां पर, यहां लिखा आई लाइक, यहाँ वर्ब लाइक है इसलिए ये सेंटेंस सही है. ओके, आई लाइक पाकिस्तानी ड्रामा बट अ लिटिल बिट, बट माय सिस्टर डजंट लाइक पाकिस्तानी ड्रामास. ओके, माय फादर लाइक्स यू नो ईटिंग मैंगोज. ओके, मैंगोज, बट आई डोंट लाइक ईटिंग मैंगोज. ओके सर, किसको पाकिस्तानी ड्रामा से प्यार है? प्यार नहीं है, दे लाइक इट, मतलब उनको पसंद है. दे लाइक इट. किसको किसको? सम पीपल लाइक वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामास.
कौन लिखा है सर ग्रुप पे ये तो बताइए. Okay, let's continue anyways. He comes from Dubai. He Hello. doesn't come from Jharkhand. अच्छा ये सेंटेंस देखिए, she is always still alive. इसमें आपको वर्ब नहीं पहचान पा रही हो. आप क्या कर रही हो ना अफरीन बेटा, आप वर्ब पे ध्यान नहीं दे रही. दोस्तों आपके सेंटेंस के करेक्शन का पूरा जिम्मेवारी वर्ब पे है. If you notice the verb correctly, you will be fine. देखो वो हमेशा झूठ बोलती है. इसमें वर्ब क्या है? बी वर्ब. बी वर्ब नहीं, बी वर्ब नहीं है. झूठ बोलना, टेल. टेल सर, टेल वर्ब है. तो क्या होना चाहिए? शी ऑलवेज, शी ऑलवेज टेल्स अलाइव. टेल्स टेल्स अलाइव. शी ऑलवेज टेल्स अलाइव. ओके यस. जस्ट अ सेकेंड. हाँ क्लासरूम में. ओके हेलो सर. या शी ऑलवेज टेल्स अ लाई. शी ऑलवेज टेल्स अ लाई. वो हमेशा झूठ बोलती है. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. यस प्लीज गो अहेड सर. सर वही क्वेश्चन था वहां. माय फादर सर स्क्रीन. यस बेटा. सर ये माय फादर लाइक टू ईट मैंगो. सर माय फादर लाइक और लाइक्स. आपको क्या लगता है? सर माय फादर लाइक लाइक. बाकी लोग भी बोले माय फादर लाइक और लाइक्स. लाइक लाइक. माय फादर ही शी इट एस है ना. ये जेबा जैसे आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, सबके दिमाग में बैठनी चाहिए कि जब सब्जेक्ट ही शी इट है तो वर्ब एस पे होना चाहिए. राइट. यस सर. माय फादर लाइक और लाइक्स. लाइक्स. नेक्स्ट. अरिजीत सिंह इज अ सिंगर. ये हर एक नेगेटिव में डजंट लगा रही है जबकि सिर्फ बी वर्ब को छोड़ के बाकी वर्ब्स के नेगेटिव होते हैं डजंट और डोंट से. अफरीन बी वर्ब में नेगेटिव नहीं होती. अरिजीत सिंह इज अ सिंगर. ही इज नॉट एन एक्टर. ही इज नॉट एन एक्टर. काशिफ की भी वही गलती. देख रहे हो दोस्तों? शाहरुख खान इज मैरिड टू गौरी खान. शाहरुख खान इज मैरिड टू गौरी खान. एवरीबॉडी. अच्छा आप लोग एक दूसरे के सेंटेंसेस पढ़िए और करेक्शन भी करिए. हेल्प करिए एक दूसरे को. सीखिए उससे. शाहरुख खान इज मैरिड टू गौरी खान. शाहरुख खान हैज टू सन्स. शाहरुख खान डजंट हैव टू डॉटर्स. शाहरुख खान इज 58 ईयर्स ओल्ड. Is sir, मतलब बी वर्ब. सर एक सेंटेंस. yes, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जरा सा इसमें सब लोग बोल दें. नंबर फोर. अपूर्वा अपूर्वा राइट्स. ही बिलोंग्स टू अपूर्वा राइट्स. ही बिलोंग्स टू द बीजेपी. ही डजंट बिलोंग्स टू द. यहाँ पे डज लग गया सर. थोड़ा सा इसका हमको क्लियर कर दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स गो बैक. अपूर्वा राइट्स. He belongs to the BJP. अच्छा बताएं मुझे ये बताएं. He belongs to the BJP. ठीक है? Yes. या she belongs to the BJP. में subject क्या है? Verb क्या है? Subject हो गया ही. Subject ही. Verb belong. Belongs. Belong. Verb. Verb belong. Belong is the verb sir. नहीं आप BJP पूछ रहे हैं या बता रही हैं? नहीं हम पूछ रहे हैं आपको. आप नहीं पूछ सकती. क्यों? मैं बताता हूँ. क्यों नहीं पूछ सकती आप? देखिए आपने इस टेक्स्ट को किया था ना संयुक्ता मैम. कौन सा? एंड्रू जॉनसन टेक्स्ट. यस सर. आपने वर्ब देखा उसमें? यस सर. कहाँ आते हैं वर्ब? सब्जेक्ट के बाद. मैम प्लीज नोटिस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. जस्ट अ सेकेंड. हियर कम्स lives. देखिए कहाँ है? He lives. तो समझ आया मुझे. एक सेकंड. नहीं works. आया नहीं आया. थोड़ी देर सुन लीजिए patiently. He works. Yes sir. He works. He has. Yes he sir. He earns. Yes sir. He goes. Yes sir. He likes. He plays. अब मुझे बताइए. He loves. He belongs. Belong yes, verb है हाँ या ना? Belong. Yes sir. नहीं ये आरती आरती ये गलत बात.
आप लोग को सबको माइक अपने हाथ में कंट्रोल दिया गया, इसलिए नहीं कि आप दूसरे के टाइम बोलेंगे, ना 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 ना, आपको सोचना है दूसरे के टाइम में, ओके बोलना है अपने टाइम में या कलेक्टिवली, ओके अभी इट इज मी एंड संयोगिता मैम ना प्लीज. हाँ संयोगिता मैम, बिलोंग वर्ब है यस और नो? आई डोंट नो सर. अरे अभी तो फिर नहीं समझी आप, फिर नहीं समझी आप, फिर से नहीं समझी. चलिए आते हैं, चलिए यहाँ आइए, गौर करिए, जस्ट अ सेकंड मैम, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. यस यस सर. शी लिव्स, लिव्स क्या है? लिव्स तो है वर्ब. शी लिव्स, पहले मेरी बात सुनिएगा, शी लिव्स, लिव्स वर्ब है. शी लिव्स, लिव्स वर्ब है. शी वर्क्स, वर्क्स वर्ब है. शी स्टडीज, स्टडीज वर्ब है. शी लाइक्स, लाइक्स वर्ब है. शी राइट्स, राइट्स वर्ब है. शी अर्न्स, अर्न्स वर्ब है. ये बताइए वर्ब कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है सर. वो यही कंफ्यूजन है, बिलोंग वर्ब है या नहीं, बस बिलोंग. मुझे बताइए जब अगर आपने एक सेंटेंस देखा ही बिलोंग्स टू द बीजेपी, तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगी इस सेंटेंस को पढ़ के? वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और वो तो हिंदी हो गई. मैंने पूछा किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे बिलोंग के बारे में. ही बिलोंग्स टू द बीजेपी और एक करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है? तो मुझे बताइए ये किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगी आप बिलोंग के बारे में? बिलोंग वर्ब है. एग्जैक्टली exactly. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अब, ठीक है ना? हाँ समझ गया. इसीलिए नेगेटिव क्या होगा संयोगिता मैम? ही डजंट बिलोंग. परफेक्ट, परफेक्ट. और दोस्तों थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन है. हाँ या ना? नो, थोड़ा क्लियर हो रहा है सर. हाँ सबके दिमाग में कंफ्यूजन है, अपने अपने तरह के कंफ्यूजन, राइट गाइस? और सभी चाहते हैं कि सर उनके सोल्यूशन दें. तो जब आपके सोल्यूशन आ रहे हैं तो आप चाहोगे ना कि सब लोग क्वाइटली कोऑपरेट करें आपको. वैसे व्हेन इट इज अदर पीपल्स टर्न देन यू कोऑपरेट प्लीज, ओके? ये कुछ दिनों की बात है, दो तीन दिनों की बात है, उसके बाद आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आप 10 साल 20 साल 25 साल पुरानी हिंदी इंग्लिश दिमाग में बैठाए हो जो आपको बचपन में पढ़ाया गया है. और अब मैं कुछ बोल रहा हूँ वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है वही, लेकिन बताने का तरीका अलग है. ये तरीका अगर ध्यान में आ जाए ना तो आसान होगा. जैसे संयोगिता मैम सब कुछ समझ रही थी लेकिन कह रही थी बिलोंग वर्ब है. मैंने कहा ये तो आप डिसाइड कर सकते हो है कि नहीं है. जब आप पैटर्न गौर करते हो, अब आज के बाद आप कोई नया वर्ड भी आएगा ना ही शी के बाद एस लगा हुआ, आप समझ जाओगे क्या है वो. वो वर्ब है. दैट्स व्हाट माय टीचिंग इज अबाउट. माय टीचिंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, माय टीचिंग इज अबाउट हेल्पिंग यू डेवलप इनसाइट्स. मेरी पढ़ाई में स्टूडेंट्स के अंदर एक समझ पैदा होती है, वो खुद से कुछ कर सकते हैं. ओके, आई डोंट हेल्प देम मेमोराइज थिंग्स. याद करने में मदद नहीं करता कि रट्टा मारो, दैट्स नॉट माई जॉब. ओके, आप सबकी समझ बढ़ानी है इंग्लिश में. नाउ शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़ूं? यस आई एम नॉट ओके. ज़ेबा, ज़ेबा राइट्स. सर आई एम नॉट ओवन. यस चिकू सर, ब्रेक थोड़ा कम कर दी, मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से तो मेरा फोन में प्रॉब्लम है. आई एम ट्रैवलिंग तो इसीलिए वीकल ब्रेक हो रहा है भाई. डोंट वरी, वी आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. ओके, एनीबॉडी हु इज स्ट्रगलिंग विद देयर इंटरनेट, दे कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग. डोंट वरी एट ऑल. ओके, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब. यह शाहरुख खान इज 58 इयर्स ओल्ड. अभी इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए दोस्तों? शाहरुख खान इजंट 50, इजंट 48 इयर्स ओल्ड, क्योंकि आपके सामने बी वर्ब है ना. यस सर. तो शाहरुख खान इजंट 48 इयर्स ओल्ड. शाहरुख खान इज द ओनर ऑफ कोलकाता टीम. He is not the owner of Mumbai team. Yes, sir. Isn't. So, Afreen or Kashif Dharmu from Dharmuchak, both of them need to work on their understanding of be verb and other verbs. Give me a second. Yeah.
Let's see. Shahrukh Khan is the owner of Kolkata team. Shahrukh Khan isn't the owner of Mumbai team. तो मैंने जब doesn't पढ़ाया तो कुछ लोगों को लगा ना कि कुछ भी नेगेटिव बोलना हो तो doesn't लगाना है. नहीं, जब ई वर्ब होगा तो पहले ही कर चुके हैं नेगेटिव करने का तरीका. कोई और वर्ब होगा तो नेगेटिव doesn't से होगा या don't से होगा. राइट दोस्तों, कोई और वर्ब होना चाहिए, जैसे go, जैसे speak, जैसे tell, जैसे sleep, कोई वर्ब होना चाहिए. वर्ब पहचानते हो सब लोग? यस यस सर. जल्दी से कुछ वर्ब्स के एग्जांपल्स दे दो. कम ऑन. Stop. Give me some adjectives. Beautiful, happy, sad, hot, clever, handsome, sad, foolish. Yes, Anshu, repeat, Anshu. Bad, honesty, tall, honest. Sorry, honest. These are adjectives, okay? तो हम लोग किस ध्यान से देना, जो adjectives होते हैं ना उनके साथ अक्सर be verb होता है, अक्सर, okay? अक्सर be verb होता है, और बाकी जो other verbs होते हैं जब उनकी बात आए तो doesn't की बात करना. All right, guys? Okay, sir. Now, Ziba writes, Priyanka Chopra is a famous actress and model. She comes from Jharkhand in Jamshedpur, but she lives in Mumbai and America. She is married to Nick Jonas. He is American and he is also an American actor. Priyanka Chopra was Miss World in 2000. She has one daughter. Her name is Malti Mary. And now she is also working in Hollywood. Oh, fantastic, Ziba. Super, well done. Sir. Yes, beta. मेरे बस में भी एक प्रियंका चोपड़ा है. On your bus? Yeah. Oh, lovely. And with Nick Jonas or alone? With Nick Jonas or alone? If she's alone, then I would like to have her number, WhatsApp number. WhatsApp number? If she's alone. Is she alone or with Nick Jonas, with her husband? The Priyanka Chopra in your bus? वो अभी 9th क्लास में है. ओह कम ऑन, सोचिए तू 9th क्लास में हो कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई. ओह अनबिलीवेबल. एंड लुक एट यू दीपिका, यू आर ओनली इन क्लास 6 बट यू आर दीपिका पादुकोणे, सच अ ग्रेट एक्टर. सर आई एम इन 5. या इन क्लास 5th, राइट? या सर, ऐसे टैलेंट बहुत कम बच्चों में होता है जो बढ़ते भी हैं और एक्ट्रेस भी बन जाते हैं. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी टैलेंटेड दीपिका. यस सर, ऐसा टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है. एब्सोल्युटली, दीपिका इज नाउ कमिंग टू हर रियल फॉर्म. हां यस. ओके, इम्तियाज राइट, सृष्टि जयंत देशमुख कौन है रे? She is an IS officer. She is 28 years old. She is married. Her husband's name is Nagarjun Gowda. Okay? Her husband's name is Imtiaz. Her husband's yes, name is. She, ये सब लाइन मैंने सिखाई नहीं है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको. कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे. क्या क्या लिख रहे हो भाई इम्तियाज? मैंने क्या बोलना सिखाया इम्तियाज? पहले बताओ, मैंने जो ताले की चाबी सिखाई, दूसरा ताला मत खोलने लगो, वही ताला खोलो. ओके, मेरा ताला है करते हैं, करती है, करते हैं. ऑलराइट गाइस, ओके सर.
बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। अर्न करता है, प्ले करता है, लिव करता है, तो करता है वाला सेंटेंस बोलने के लिए मैंने सिखाया। दूसरे तीसरे ताले में ये चाबी लगाओगे, चाबी टेढ़ी हो जाएगी। बट सर मैं पूरा क्लास कल नहीं किया था तो मुझे नहीं पता था। रिकॉर्डिंग। और मैं जेबा से पूछा भी था तो वो बोली कि किसी के भी बारे में बता सकते हो तो मैं बता। फाइन, बता सकते हो, लेकिन जो मैंने सिखाया उतना ही कर सकते हो ना अभी। ओके सर। शी कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, बहुत अच्छे। शी इज अ टॉपर, ओके। शी इज द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, ओके। या एक दूसरे की हेल्प करते रहे इसी तरह से, ओके। बहुत अच्छा पूर्वा, शी डिड हिज स्कूलिंग, वेरी नाइस। हर स्कूलिंग ना बेटा, हिज स्कूलिंग या हर स्कूलिंग? अपूर्वा, शी डिड हर स्कूलिंग और हिज स्कूलिंग? हर स्कूलिंग। शी डिड हर स्कूलिंग। सर हर स्कूलिंग ही होगा सर, दैट्स माय टाइप मिस्टेक सर। टाइपिंग मिस्टेक। यस सर। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड चीफ सॉफ्टवेयर। ही वाज अनीश। अनीश पहले ये बताओ, मैंने पास्ट की बात अभी बताई है? नहीं बताई है। तो तुमने खुद से क्यों कोशिश किया? किया भी तो ऐसे करो ना, मुझे बताओ कि तुम बोल सकते हो ही इज अ स्टडी? पहले तुम अपना दिमाग लगाओ। अनीश कभी तुम बोल सकते हो ही इज अ स्टडी? बोल सकते हो? पहले पहले मैं बोल रहा हूँ, वो पढ़ता है, कैसे बोलेंगे? क्या बात है मेरे दोस्त। जियो मेरे शेर, जियो मेरे शेर। दोस्तों देखो क्या लिखा है और ये क्या बोल रहे हैं। आपने टेक्स्ट पढ़ना बंद कर दिया अनीश? क्या लिखा दोस्तों? जब सब्जेक्ट ही शीट हो तो वर्ब में एस लगा देना है। यस लगता है। यस तो बी वर्ब क्यों लगा दिया तुमने मेरे भाई? सॉरी सर। सॉरी बोल रहा है फिर? बिल्कुल लगेगा। एक्सेप्ट कर लू सॉरी? यस सर बिल्कुल लगेगा। कल तो ही स्टडीड। यस सर स्टडीड। थोड़ा हैंग कर। कोई नहीं कोई नहीं, हैंग कर रहा तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ भी हटाओ, ही ड्रॉप्ड। He dropped out the Harvard University in 1975. Okay. He lives in an America. क्यों लिखा तुमने? Sir, मैं थोड़ा an इससे लगा कि क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते दोस्तों? वह अमेरिका से। तो आई लिव इन बिहार शरीफ की ए बिहार शरीफ। आई लिव इन बिहार शरीफ की ए बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। आई लिव इन बिहार शरीफ सर। तो यहाँ एन अमेरिका क्यों? मिस्टेक सर। सॉरी सर। वर्क ऑन दीज थिंग्स। अच्छा कल क्या सिखाया था? ही मैरिड की ही इज मैरिड। ही इज मैरिड टू मेलिंडा। ही इज मैरिड टू मेलिंडा। ही हैज थ्री चिल्ड्रन। बहुत अच्छे बेटा, बाकी आखिर तुमने आखिर में संभाल लिया। ओके सो प्रैक्टिस और करना है, हर दिन करना है, और एक दिन भी प्रैक्टिस मिसिंग होगी यू विल लूज 100 रुपीज गाइस। ओके सर। ही इज मैरिड टू सर। कल ही पढ़े थे बेटा, ही इज मैरिड राइट? यस सर। यस सर। एक जगह और प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम्स। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही इज इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज ही द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ही वॉज बॉर्न, ही बिलोंग्स टू नालंदा बिहार। He doesn't belong to Jharkhand. Does he belong to Bihar? Yes, he does. Yes. He lives in Patna. He lives in Patna. Oh, haan, sir, sorry. He doesn't yes, live. He doesn't live or doesn't lives, guys. He doesn't live or doesn't lives. Doesn't live. Live over, sir. Live over. Live. Does he live in Bihar, Shiv? Iska kya jawab hoga? No, he is. No, he doesn't. No, he doesn't. फिगर आउट करो। सब लोग का काम है दिमाग चला के पैटर्न गौर करना कि होता क्या है, क्या करते हैं बार बार हम। डज ही लिव इन बिहार शरीफ? नो ही डजंट। डजंट होगा सर। यही वाला डज, यही वाला। नो ही डजंट। डज ही लिव इन पटना? यस ही डज। अच्छा तुम बी वर्ब कहां से ले आते हो भाई अनीश? ये बी वर्ब कहां से आ गया इसमें? रहने की बात कर रहे हो कि पटना में रहते हैं कि नहीं, तो बी वर्ब क्या कर रहा है? B मतलब होना होता है। बी मतलब क्या होता है दोस्तों? होना। टी मतलब
बी मतलब होना होना और लिव मतलब रहना. तो आप कह रहे हैं पटना में रहते हैं, इसमें बी वर्ब क्यों चाहिए? डज ही लिव इन पटना? यस ही डज, यस ही डज. नेक्स्ट, ही वॉज एन इंजीनियर स्टूडेंट. इंजीनियर स्टूडेंट, ओके. ही वॉज नॉट ए मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बाय द वे. नीतीश कुमार पार्टी इज जेडीयू. यहाँ तक तो ठीक है. नीतीश कुमार पार्टी इज जेडीयू. He isn't party RJD या his party isn't RJD? क्या बोलना चाहिए हम लोग को? His party isn't RJD, right? His party isn't RJD. Is his party JDU? Yes, it is. Is his party JDU? Yes, it is. ठीक है, कोशिश करते रहेंगे रोज, धीरे धीरे you will improve. Next, he is the longest serving chief minister of Bihar. यही सब लाइन जो है ना कॉपी पेस्ट कर करके इंग्लिश नहीं सीखी जाती है. ठीक है, हमें अपने अंदर क्षमता डेवलप करना है. बताओ, ही मैरिड टू मंजू कुमारी, सही है? ये सही नहीं है सेंटेंस, इसलिए क्योंकि अब वो शादीशुदा नहीं है. ठीक है, वो शादीशुदा रहते तो ये सेंटेंस सही होता है. ही इज मैरिड मतलब वो शादी किए हुए हैं, लेकिन वो शादी नहीं. एग्जैक्टली, ओके. असल में ना अनीश के पास बहुत दिमाग है, लेकिन वो लगा नहीं रहा है. चल बताएं सर क्या प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व करो उसको अनीश. यस अपूर्वा बेटा. सर आई आल्सो रोट ही इज मैरिड टू यशोदा बेन, सो दैट सेंटेंस वी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट. फैक्चुअली इनकरेक्ट. ओके सर. Then we say like he was married to Yasoda Bain. Right. Okay. What does Darcy do? Darcy is a ballet dancer and model. Where does she live now? She lives in Sydney or she lives Sydney? She lives in Sydney. She lives in Sydney. Does she speak French? Yes, she does. What does her children's names? Dosto. Do we need does in this sentence? क्या चाहिए हमें does चाहिए इस sentence में? और चाहिए सर. और चाहिए. What are her children's names? What are her children's names? Where does she come from? She comes from London, England. Where does she work? She works in London. How many children does she have? She have या does she have? She has two children. What does she do in her free time? Amit, Shah Rukh Khan is an actor and businessman. What does he do? Give me a second, guys. Yes, let's continue. He speaks very well English and Hindi. Kahate? Shah Rukh Khan. What does he do? He isn't a cricketer. He's an actor. Choti choti galtiyan. Amit Pita, an actor. Okay. He lives in India, Mumbai. Where does he come from? He comes from Mumbai in India. No, he doesn't come from Mumbai, by the way. He comes from Delhi. Okay. Where does he live? He lives in Mumbai. He doesn't live in Pakistan. He speaks English and Hindi very well. Bita, very well baad mein jayega. He speaks ke baad nazdeek wala word chahiye. Wo kya bolta hai? English or Hindi. He speaks English and Hindi very well. He doesn't know Arabic. Does he speak English? Amit Pita, does he speak English? Is good or bad? Amit? Bad. Speak, Amit. I yes, can't hear you. Ha, Amit, go on. ये सही है कि गलत है? गलत है सर. ही क्या गलत होगा? स्पीक होगा सर, नहीं लगेगा. Yeah, does he speak English? Well done. Speak only, right? Does he speak English? Good job. He is married to a film producer. Her name is Gauri Khan. Is he married?
What is his wife's name? His wife's name is Gauri Khan. What is his what? देखो दोस्तों तिकड़ी तिकड़ी his wife भी मिला subject भी मिला do भी मिला यहाँ क्या होना चाहिए था What does his wife do? She's a film producer. He has a son and a daughter, Aryan and Suhana. How many children does he have? He has two children. Children, not childrens, okay? Amit? No, S. What are his children's names? His children's names are Aryan and Suhana. In his free time, he plays football. What does he do in his free time? He doesn't play snooker. Very good job. Super practice, Amit. Keep it up, okay? Keep it up. Every day you have... Okay, friends. So it was really good practice from all of you. Or jin logon ne practice nahi kiya, unke naam hai Naushin, Maz, Shazia, Deepika, Shweta. Sir, I already sent you on WhatsApp. Okay, I'll check. I also prepared answer too, so I have to send answer. No, not at all. Noor, Dharma, but Bita Asweta, I asked you guys to practice about some celebrities now. That was the extra homework. Imtiaz practiced. Okay, so all those people who did not practice, they'll pay a fine of 100 rupees for not practicing. And remember, again, you guys will have to write sentences tomorrow. And I want you to write about your family members. You have to make sentences. Yes, Devendra, go on. Sir, I send now on Telegram. Okay, let me check. Okay, Devendra has practiced. Very good. Good practice, Devendra. But you need to practice in the group, not in your notebook, okay? And all those people who have not practiced, as I am saying, bit by bit, okay, you can get better. So remember, every day you need to practice a little. Just a couple of sentences, 4 or 5 sentences about your family, about your dad, about your mom, whatever you're studying, try and practice those things. But if you do not practice, you're going to lose 100 rupees, okay? So all those who didn't practice today, I will put their names in the group. They will send me 100 rupees fine. Send me a screenshot of the fine, okay? And in the group, you have to send that screenshot in the group as well. And this is something that I'm very, very strict about. Nobody will be spared. Nobody will be spared. Everybody has to write sentences. And now I'll ask you guys to go to the main book. Let's go to the main book. Sir. Yeah, go on. Sir. Yes, I can hear you, Deepika. आपके जान पर मेरे पास टाइम नहीं होता. I totally understand that. आप लोग कॉल करोगे. Still, you have to write a couple of sentences, Deepika. Okay, just a couple of sentences. दो तीन. I don't want you to write 20 sentences. Just a couple of sentences, okay? 2-3 sentences, if not more. Okay, everybody, I'm opening the breakout room where I want you guys to ask and answer the questions about what are the names? David Guetta and Darcy Bussell. Ask and answer the questions with each other. Ask and answer the questions with a partner. I'm opening the rooms for you. Are you all ready? Yeah, sir. Yeah. Sir. Yeah. Sir, please share the book page in the group, sir, because I have one book, sir. Wrong English. Sir. I don't have. Okay, sir. I don't have book yet, sir. So please share the that chapter in the group, sir. Yep. I did it already. It is already in the group.
सर आई सेंड यू माई न्यू एड्रेस सो इफ यू सेंड मी अ बुक दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू मी सर आई विल जस्ट आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम दैट्स ऑल ओके Okay, people, I am ready to open the rooms for you all. And just a second. Kashif Iqbal is back here. Kashif, you're back? Sir. Yes, Deepika. Kaise puchenge ki, kaise puchenge question? Bahut asaan hai, beta. Look at the group, beta. Look at the page. I'm going to put you with the two people, sweetie, so that you can get some practice. Don't worry. Okay? Wait. I'll put you with two people. In a group of three, actually. Sir, my book is here. Okay. This is the third one. Yes, beta. I guess we are ready to practice. I'm opening the rooms and do your best. Cooperate with your friends, okay? One minute. Don't worry, sweetie. Your friends will help you in the breakout room because I've got given you good company of Amit Bhaiya and Iqbal Bhaiya, okay? So I'm opening the rooms now, people. Go ahead and practice the question and answers about Darcy Bussell and David Guetta. Come on, accept the invitation, everybody. The invitation is on your screen now. Accept it. Come on, Devendra, accept the invitation. Aarti, Deepika, Sanyogita ma'am, Sulekha, Nikhat, accept the invitation, Nikhat. Nikhat, accept the invitation. Accept the invitation, Nikhat. It's on your screen. Some people have poor internet connection. Every day it happens. Okay, I can put Dharmendra, no, Amit, Val. Diaz. No, go to room number 6. Sulekha. Go to room number 7. Afreen. What happened, Afreen? Why did you leave the room? Sorry, sir. My network is not good. Your network is not good. And the mistakes you made were absolutely unbelievable. Okay, I'm going to put you in with Imtiaz later. Join the breakout room, Afreen. Join room number 4. Join room number 4, okay? Afreen, go and join room number 4. Goodness me. Room number 9. Yeah, how can I help you?
Hey Aarti, what happened? Yes, sir. Again, bad internet. What happened? Yes, sir. Oh God. Okay. Well, it is really bad. You know, have you uninstalled the app and try to install it again? Sir, tomorrow. Try and do that. Okay, it will help you maybe. So I'm going to put you in another room where you can practice a little bit. Come on, accept the invitation. यह रखा कि हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड सर जो भी पढ़ाई होती है वो रिकॉर्ड होती है जैसे अभी भी मैं जो बातें कर रहा था सब बातें रिकॉर्ड हो रही है मैं क्लास ये क्लास फिजिकल नहीं है ऑनलाइन है अलग अलग सिटीज से लोग अटेंड कर रहे हैं ठीक है और इसके पहले जो क्लास है फिजिकल क्लास है तो मैं मिक्स नहीं करता फिक्स फिजिकल क्लास को फिजिकल क्लास पर करता ऑनलाइन क्योंकि मुझे अटेंशन देना था बढ़ जाता है टेंशन के बाद मुश्किल होता है हाँ तो इसलिए मैं फिजिकल क्लास में फिजिकल क्लास का टेंशन देता हूँ ऑनलाइन है तो सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं रखता है ठीक है तो आप अभी फिलहाल फिजिकल क्लास ज्वाइन करें हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है ठीक है अगर आपके अंदर सीखने की सच में ये है पैशन है ठीक है तो आप हर हाल में सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हर एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता जाएगा मैंने बताया कि हर एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है मान लो आप 5 दिन लगातार क्लास मिस करें क्योंकि आप बहुत बिजी हैं लेकिन अंदर से पैशन पूरा है तो रात में आप जाओगे बेड पे 10 बजे तो आपको लगेगा क्या हुआ था आज क्लास में तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगी फुल क्लास की रिकॉर्डिंग जो भी हुआ हर बात सुनाई पड़ेगी मेरी और स्टूडेंट ठीक है आप उसको देख सकते क्लास को जी सकते दोबारा आप वहाँ फिर से एक्सपीरियंस कर सकते क्या क्या हुआ दिमाग में जा सकती थी ये फायदेमंद स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक बार भी चीज़ें नहीं समझते वो रिलैक्स रह सकते हैं कम से कम क्लास के रिकॉर्डिंग में 5 बार देख सकता हूँ किसी खास हिस्से को जहाँ पर मुश्किल हो रही है 5 बार देखा 5 मिनट रिपीट कर लिया राइट हाँ बहुत अच्छा तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो बहुत काम की चीज हो जाती है हाँ नहीं फिजिकल क्लास भी रिकॉर्डेड है फिजिकल क्लास भी रिकॉर्ड होता है क्योंकि मैं जूम का ये सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जूम ऑन कर देता हूँ और मेरी माइक लगी रहती है तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है हाँ बिल्कुल तो वो फिर से आप देख सकते हैं क्लास के बाद हर एक क्लास का स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग क्योंकि उनमें कई ऐसे होते हैं जो घर जाते जाते भूल जाते हैं उनकी मेमोरी ऐसी खराब होती है ठीक है वो रिकॉर्डिंग देखते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में सुन के रिकॉर्डिंग में कि अच्छा सर ने ये सिखाया था अच्छा ऐसे होना चाहिए तो जो पैशनेट है लर्निंग के लिए उसके लिए देयर कैन नॉट बी अ बेटर ऑप्शन देन एसटीसी ये तो पक्का है ऐसे ही सहवास सर या किसी ने आपको रिकमेंड नहीं किया है ठीक है ना यहाँ वो स्टूडेंट जो कमजोर है इंग्लिश में वो ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं बाकी 3 लड़कों को तो कोई भी हल्का सा सपोर्ट दे देता निकल जाते हैं लेकिन जिनकी इंग्लिश हाँ उनको सिखाने में सब लोग केपेबल नहीं है सिखाने के लिए जो स्किल चाहिए कैपेबिलिटी चाहिए टीचर वो नहीं होती आपको नहीं आता आपको कैसे सिखा राइट हाँ उसको तो थोड़ा सा खाली माहौल दीजिए ना आपको बढ़ता चला जाता है उसको झग्गड़ से पकड़ के लाना होता है जैसे बाल्टी गहरे चली जाती है ना झग्गड़ से निकाल के लाना होता है एग्जैक्टली ठीक है तो आप 3:30 बजे वाले बैच को कंटिन्यू करें ठीक है अभी आपके पास समय है दीजिए ठीक है और जब समय नहीं रहेगा तो रिकॉर्डिंग देखिएगा रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है क्लास के खत्म होने के 1.5 घंटे के अंदर ठीक है ताकि आपको पूरा फ्रीडम मिले 24 घंटे का ठीक है क्लास खत्म हुआ 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाएगी अवेलेबल ठीक है बस टेलीग्राम पे मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे लिंक उसको आप क्लिक करोगे आपको रिकॉर्डिंग सामने खुल जाएगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्डेड है मतलब दो चीजें हैं मेरे सारे क्लासेस लाइव हैं जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अभी ये सब गए हैं ब्रेकआउट रूम में गए हैं सब बातें कर रहे हैं दूसरे के साथ जो पढ़ाया मैंने उस बारे में बातचीत कर रहे हैं ठीक है ब्रेकआउट रूम में भेजा मैंने वो तो तुरंत वापस आने वाले हैं क्लास का ब्रेकआउट रूम का टाइम खत्म हो रहा है ठीक है आकर पढ़ेंगे यहाँ तो 5,000 और अपने घर से पढ़ेंगे तो 7,000
Hello, sir. I'm leaving because I have an urgent work, sir. Hey, Deep, are you practicing with me or talking to me or talking to somebody else? Sir, I'm going to leave. I have an urgent work. Okay, I have some urgent work, not an. I have some work urgent. Is uncountable, Bita. Yes, okay? Sir. See ya. See ya, Deep. No problems. Okay, sir. Bye. Bye-bye, Bita. Take care. So, you have my WhatsApp, right? The same number. Yeah, the same number. 930. I have my WhatsApp number. And message me there. And take admission because we do not offer demo classes. Okay? So, you have to first take admission. The same. Yeah, down. Cash down. Yes. Exactly. Sorry. That's not possible. I have a question, sir. Yes, yes, Zeba. What's your question? Sir, 8 number, sir. What does in her free time or what does do in her free time, sir? What is correct? Come again, Zeba. Can you repeat your question? 8 number, sir. What does in her free time? Beta, do you remember the tikri? Do you remember the trio, Zeba? Do you remember the trio? What does do? ट्रायो 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 कहाँ है ट्रायो में कौन कौन से तीन वर्ड्स होते हैं पहले सब लोग याद करो ट्रायो याद करो सब लोग ट्रायो डज सब्जेक्ट वी वन जेबा डज सब्जेक्ट वी वन आपको ट्रायो याद नहीं है परेशानी हो जाएगी व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम जेबा ट्रायो क्या है अप्रूव यू वर राइट बट जेबा यू हैव कंफ्यूजन बिकॉज यू डोंट रिमेम्बर द ट्रायो डज Subject V1. Yes, sir. बोलो क्या होना चाहिए What does do in her free time? Subject छोड़ दिया trio में से दो ही बचे What does he? किसके बारे में बात करें हम लोग किसके बारे में बात करें जेबा What does Darcy Basil do? ये Darcy Basil बोलेगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? So, I say her, sir. वो तो बाद की चीज़ है, वो बाद की चीज़ है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता. What does Darcy Basil do? What does she do? Darcy Basil her नहीं है, Darcy Basil she है, right? Mm. What does Darcy Basil do? What does she do? She, he, she, I, you, he, we, she. बोल क्या? सात सब्जेक्ट्स. I, you, we, they, एक ग्रुप में he, she, it, एक ग्रुप में Darcy Basil means she, right? हिंदी में क्या बोलोगे जेबा Darcy Basil क्या करती है Yes, sir. कैसे बोलोगे इंग्लिश में What does she do? In her free time. Yes. उस हर का इससे ऐसा नहीं बोलेंगे हर बोल दी इसलिए she नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं होगा okay? What does Darcy Basil do in her free time? What does she do in her free time? Okay? Yes, sir. Your confusion is clear now? Yes, sir. Okay. Anybody else has any other confusion that they want to share with me? What does in her free time bol sakte na, sir? Come again? What does in her free time nahi bol sakte. Nahi. Suno. Does akele nahi aata. Does ke saath do aur words hote hain. Wo tikdi mein hota hai. Hai na, dosto? Yes, sir. Yes, sir. Does के साथ दो और वर्ड्स होते हैं कौन होते हैं वो दो वर्ड्स does जब भी होता है उसके बाद सब्जेक्ट होता है और वी वन होता है ये बात दिमाग में जाएगी आपके चले जाइए बोलिए what does in her free time फिर गलती हो गई सेवा नहीं सर इसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डज ही डू डज ही राइट डज ही स्पीक डज ही लाफ राइट समझ में आ रही बात सेबा शाजिया समझ में आ रही बात यस सर आई अंडरस्टैंड तिकड़ी है तिकड़ी तिकड़ी डज सब्जेक्ट वर्ब वर्ब कौन से फॉर्म में वी वन
अगर सब्जेक्ट ही शीट है तो डज, सब्जेक्ट अगर यू आई वी दे है तो डू, लेकिन तिकड़ी हमेशा रहेगी वो. ये डज को बिना तिकड़ी के मत यूज करना. डज इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ ट्रायो, डज इज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ तिकड़ी. डज हमेशा एक तिकड़ी का हिस्सा होता है, तिकड़ी का एक मेंबर है डज. दो और मेंबर्स होते हैं, बताओ कौन? सब्जेक्ट और V1. राइट गाइस? उसके बगैर डज नहीं यूज करने का क्वेश्चन में, है ना? Yes, sir. ये जो डज था इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि आप इसको ट्रायो का हिस्सा समझें, बस सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. थिंक अबाउट डज एज ए पार्ट ऑफ अ ट्रायो. होमवर्क, राइट सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव्स, क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स. जैसे मेरे पापा अखबार पढ़ते हैं, एक सेंटेंस है, पढ़ते हैं. ऐसे ही हिंदी होनी चाहिए ना, कि पढ़े थे. Yes, yes, sir. पढ़े थे, पढ़ते हैं. माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे. फिर तू भी पूछ सकता है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ये आप ही को लिखना है सब, ठीक है ना? आप ही को लिखना है. व्हाट न्यूज़पेपर डज ही रीड? व्हाट न्यूज़पेपर डज ही रीड? हाँ, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो डज ही रीड बोलना होगा, राइट? जवाब आया द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, फिर छोटी सी बात निकालो. माय मदर ड्रिंक्स 2 कप्स ऑफ कॉफी एवरी डे, ठीक है? फिर सवाल बन सकता है व्हाट कॉफी डज शी ड्रिंक, नेस्कैफे और ब्रू? ब्लैक कॉफी. ओके, शी ड्रिंक्स नेस्कैफे. कुछ भी इस तरह की बातचीत जो आपके घर वाले के बारे में कुछ भी आपको बताना है, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू आर गोना लूज 100 रुपीज, रिमेम्बर दैट. और प्रैक्टिस का मतलब 20, 50, 100 सेंटेंसेस नहीं, 2-3 सच्ची बातें अपने मम्मी पापा भाई बहन के बारे में. ऑलराइट, जस्ट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट हैबिट्स. आप जानते ही हो, करते हैं, करती हैं, नहीं करते हैं, क्या वो करते हैं, ऐसी हिंदी होनी चाहिए. दैट्स ऑल. ओके सर. Okay, और sir. जिन लोगों के नाम वहां चले जाएंगे, नूर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी ना? Yes, sir. तो 100 रुपए तुम पे फाइन. माज तुमने नहीं करी प्रैक्टिस? Yes, sir. 100 रुपए फाइन. नौशीन के तो 100 रुपए मैंने पहले ही कर दिए. और बताओ और कौन है जिसने प्रैक्टिस नहीं की? काशिफ इकबाल, 100 रुपए फाइन. एवरी डे? हाँ, ऑफ कोर्स. अगर कल नहीं प्रैक्टिस करी फिर कल 100 रुपए फाइन, रिमेम्बर. बिकॉज ये बिना प्रैक्टिस के ये चीज दिमाग में नहीं जाने वाली. ये पढ़ा दिया मैंने एक दिन में, राइट? बट यू अनलेस यू प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. तो प्लीज प्रैक्टिस एवरी डे. सुलेखा, आपको भी प्रैक्टिस करना है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की थी. ओके, फाइन. आई एम रैपिंग अप नाउ. आई विल सी यू गाइस टुमारो. ओके सर. बाय सर. बाय.